हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का मौसम यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे कि बारिश हो रही है, और अभी 4:30 हुआ होगा और बारिश इतनी अच्छी और ज़ोरदार तो बस देखते ही बन रहा था। और मेरा बेटा ना इतना एंजॉय कर रहा था इस बारिश में कि वो अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे कपड़े वगैरह सब भीग गए थे, कपड़े चेंज करने पड़ गए इसके। बोता बैठा हुआ है किचन में और वेट कर रहा है मेरा बेटा स्वीट कॉर्न के लिए। तो इधर स्वीट कॉर्न बन रहा है और इधर मेरा बाबू वेट कर रहा है कि जल्दी से स्वीट कॉर्न बन जाए, है ना। जब बन जाएगा तो फिर टेस्ट मम्मा को बताना कैसा लगा, है ना सोना। मम्मा का खाना बहुत अच्छा होता है। मम्मा का खाना बहुत अच्छा होता है। आज टीचर ने क्या कहा हमें? आज तो सरप्राइज टेस्ट हो गया बेटा का। हाँ। और क्या मिला था? 10 out of 10। मैम बोल रही थी मुझे फिर भी 10 out of 10। हाँ, 10 out of 10 क्यों मिला मेरे बेटे? अच्छा राइटिंग लिखता हूँ ना। हाँ, मेरे बाबू बहुत अच्छा लिखते हैं, सब याद रहता है मेरे बेटा को। तो मेरा बुआ क्या बोलता है वहाँ पे, नेवर गिव अप, है ना। मैंने स्कूल में बोला था, आपने बोला था क्लास बन रहा है स्वीट कॉर्न, है ना। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन से बाहर और बेटा भी अपने रूम में चला गया था। तो सारी सब्जियाँ ना काफ़ी देर से रखी हुई थी पॉलीथीन के अंदर, तो वही मैं पॉलीथीन के बाहर से सारा निकाल रही थी। थोड़ा थोड़ा सा नमी आ चुकी थी, वह होता ना वो जो जिसको बोलते हैं ना मॉइस्ट बन जाता है पॉलीथीन के अंदर, बस वही हो ही गया था। क्योंकि सुबह से रखी हुई थी और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि इसको बाहर निकाल के रखूँ। तो वही अभी मैंने सोचा कि कॉर्न बन ही रहा है था, तब तक मैं ये सब जो है कर लेती हूँ। और ब्लिंकिट से बस अभी सामान मंगवाया था तो वो भी आ चुका था। और ब्लिंकिट से मंगवाया था, बेटे ने बहुत ज़िद की थी कि ब्रेड वगैरह और बिस्किट नहीं थे, तो बिस्किट वगैरह जो है उसी के लिए ज़्यादातर तो उसी का सारा सामान है, क्योंकि वो जो जो खाता है उसी से रिलेटेड सामान है। ब्रेड में मैंने ये न्यूट्रिला का मंगाया था चॉकलेट स्प्रेड, और पनीर मंगाया था, बिस्किट और ब्रेड मंगाए थे। तो मैं यहाँ पे सबकी डेट वगैरह चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं, तो सब सही था। तो फिर बस वही अपनी अपनी जगह पर इन सबको रखने का काम कर रही थी। पनीर वनीर को डाल दिया जाके फ्रिज में, और बस सारा सामान हो गया सेट मेरा। अब मैं आ गई थी किचन में और कॉर्न बस अब बिल्कुल तैयार हो चुके थे। मैंने बॉयल किया था दूध और पानी के अंदर, इसको काफ़ी देर तक बॉयल होने दिया और दूध ज़रूर डाली, क्योंकि ना इसमें जो कॉर्न में ना क्रीमी टेक्सचर इसका खाने में आता ना बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी भी इस तरह बनाओ, दूध और पानी में इसको अच्छे से बॉयल करिए, और बॉयल होने के बाद फिर जो है तवे पर बटर अच्छे से स्प्रेड कीजिए और उसमें चाट मसाला और हल्की सी लाल मिर्च वगैरह डाल दीजिए। बस यही दो चीज़ें एनफ होती हैं इनको चटपटा बनाने के लिए। और उसके बाद उसमें कॉर्न जो है अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से उसमें लपेट लपेट के उसको अच्छे से फ्राई कीजिए, और फिर इसको आप ना खाइए, देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए एक बार। आप चाहो तो इसमें नींबू भी यहाँ पे डाल सकते हो, पर नींबू डालने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, इतने ही में ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो वही बस अब बन गया और मैं अब बेटे और हस्बैंड को यहाँ पे देने जा रही हूँ और मैं भी खा लूँगी साथ में। अभी हो रहा होगा करीब 8:30 हो रहा होगा और मैं अब डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आज सोचा था न्यूट्री नगेट्स जो होते हैं ना मैं उनकी सब्ज़ी बनाने जा रही थी, बट कुछ मूड चेंज हो गया तो मैंने सोचा कि चलो कुछ न्यूट्री नगेट्स का पुलाव वगैरह ही बना लेती हूँ। तो वही मैं फ्राइड राइस टाइप का, तो वही मैं बनाने के लिए चावल वगैरह यहाँ पे वॉश करने लगी थी। और बारिश का मौसम होता है ना तो ये सब खाने का मन करता है, सब्जी रोटी तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो हस्बैंड से भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है जो आपका मन करे वो बना लो, और तो फिर बस वो भी जो उनको दे दो वो खा ही लेते हैं। और इधर आ गए थे दूध वाले, बस दूध लेना था, तो इनका भी कोई टाइम फिक्स नहीं है कब आना कब जाना, तो ले लिया फिर दूध। और फिर मैं अपने यहाँ पे
सारी जो वेजीज थी मेरे पास, बीन्स, शिमला मिर्च और गाजर रखा हुआ था। मैंने चेक कर लिया था कि सब्जी अगर है तो फिर मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखा सब्जी वगैरह थी और फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। एक तरफ न्यूट्री नगेट्स रख दिए बॉयल होने के लिए, एक तरफ चावल रख दिया था बॉयल होने के लिए, तो वो दोनों चीज़ें बॉयल अच्छे से हो रही थी। यहाँ पे सारा न्यूट्री नगेट्स जो है अच्छे से बॉयल हो गया और मैंने उनको गरम तवे पे ना फिर से एक बार फ्राई कर लिया कि उसका पानी वगैरह जो है मर जाए, थोड़ा भी पानी जैसा फील ना आए जब मैं न्यूट्री नगेट्स पुलाव राइस में डाल के बनाऊँ। इधर राइस भी मेरे बॉयल अच्छे से हो चुके थे लगभग, तो फिर इधर बस पैन में लगाया तेल, तड़का लगाया, उसके बाद अच्छे से प्याज व्याज जो कट किए थे वो अच्छे से फ्राई करने थे तो फ्राई कर लिए। ज़्यादातर तो सबको ही पता है फ्राइड राइस कैसे बनता है, बस इसमें नगेट्स मिल जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेनली रिक्वायर्ड मेरे बेटे की थी कि वो जो है नगेट्स वाले ये खाएगा, उसको नगेट्स वाली चाहे सब्जी खिलाओ चाहे आप उसको कुछ भी फ्राइड राइस में दे दो, उसको बहुत पसंद है। तो सारी वही मैंने यहाँ पे वेजीज जो भी थी मैंने डाल दी और अच्छे से फ्राई कर लिया, फिर नमक वगैरह डाला। नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पे नगेट्स जितने थे बॉयल हुए वो सब डाल दिए। तवे पे डालने का एक रीज़न होता है कि पानी उसका सारा मर जाता है तो एकदम ड्राई जैसे होते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने सोया सॉस और सिरका डाल दिया था थोड़ा सा। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ढक दिया। ढकने के बाद फिर मैं देख रही थी इसमें थोड़ा सा काली मिर्च जो कुटी हुई मैंने कूट के रख दी थी वही डाल दी अच्छे से, फिर से ढक दिया। तो उसके बाद फिर जब अच्छे से लगा कि सब कुछ एकदम पका पक गई, मैं सब्जी थोड़ी थोड़ी सी जो पकनी थी पक गई थी। बाद में मैंने इसमें जो टमाटो केचप होता है और जो ग्रीन चिली सॉस होता है वो मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया और बॉयल हुए राइस मिला के बस थोड़ा धनिया से गार्निश कर दिया। बन गई इधर फ्राइड राइस पुलाव जो भी आप बोलते हो बोल सकते हो इसको। इधर आ गई वापस मैं अपने जितने भी मैंने सब्जी वगैरह निकाल के रखी थी ना, तो मैं यहाँ एक ना कॉटन का मोटा सा कपड़ा बिछा कर ही रखती हूँ क्योंकि जो भी पानी ये छोड़ती है या जो भी मॉइस्ट बनता रहता है ना फ्रिज में तो वो ना नीचे वाला जो कपड़ा है वो सोख लेता है तो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती। और मैं ऐसे ही खुला हुआ सारी सब्जियाँ इसमें रखती हूँ, जैसे होता है ना कुछ सब्जियां डिब्बे में बंद या उस तरह मैं नहीं रखती, मैं ऐसे ही खुली हुई सब्जियां रखती हूँ। और एक एक कोना सबको दे देती हूँ कि सब अपनी अपनी जगह पकड़ लो, तो बस ऐसे ही निकाल निकाल के अपना बनाती रहती हूँ इसी में से और ऐसे ही रख देती हूँ। तो टमाटर देखो मेरे पास इतने बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे टमाटर हैं पूछे मत। तो सबको डाल दिया, सबको बिल्कुल सेट करके फ्रिज में डाल दिया। और इधर जो गाजर बची हुई थी ना इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी पर गाजर बहुत अच्छी थी, तो मैं इनको क्या करी कि रात भर में ना इनको कि मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसकी फूल जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो बस आज मेरा इतना ही ब्लॉग था, तो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।